इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो, या इज दैट मिस्टर गर्वित? यस, हु इज दिस? आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्रश कोचिंग सेंटर। कैन आई हैव योर टू मिनट सर? मैं आपको ये बताना चाह रहा था, आपका नंबर दिया था मुझे आपकी दोस्त गगन ने। इफ यू डोंट माइंड मैं खुल के बात कर लेता हूँ, आपको कोई क्रश है और आप बात नहीं कर पाते हो उससे, वाई? ऐसा तो कुछ नहीं है, बस एक लड़की है जिसको थोड़ा मतलब पसंद करते हैं लेकिन ऐसे बात नहीं कर पाते हैं। वही एग्जैक्टली आप कर भी नहीं पाओगे, और ये आप ही नहीं हो, पता नहीं कितने दिल्ली शहर में बहुत सारे लोग ऐसे नहीं कर पाते, मतलब वो जान देने को तैयार है लेकिन बात नहीं हो पाती है। इसीलिए सर हमारा क्रश कोचिंग सेंटर जो है, वी हैव लाइक मोर देन 15,000 मेंबर्स, इनसे बात भी नहीं हो पाती थी, आज उसी से शादी करके बच्चे हैं सर उनके। तो सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे रजिस्ट्रेशन क्या होगा या फिर क्या होगा? रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए इसमें बहुत नॉमिनल सा फीस है, वो भी हम जब लेते हैं जब आपकी पूरी सेटिंग हो जाती है। तो अभी हमको कुछ नहीं करना? नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब हम करेंगे, आपको पूरी कोचिंग देंगे। ओके सर, ठीक है। तो अभी हम कैसे करेंगे? मैं आपको सर इसीलिए मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। डेमो कैसा? मतलब आई लेट यू नो सर, मैं जान सकता हूँ जिस जो आपका क्रश है उसका नाम क्या है? सर आंचल। आंचल सर, क्योंकि आंचल तो अभी नहीं है सर, मान लीजिए मेरे ऑफिस में है, आप सोचिए आंचल है। आप आंचल से बात नहीं करी ना कभी आपने? नहीं सर, हिम्मत ही नहीं हुई। होगी ना, इससे पहले नहीं हुई थी। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता रहूंगा आपकी कहाँ हिम्मत बढ़ानी है। आप इनको प्रपोज करना, जरा हाय हेलो कर लीजिए पहले आप। हेलो, हाय। हाय, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी अच्छा हूँ। तो मैं ये आपसे ये कह रहा, अभी पॉइंट पे बताइए, अभी पॉइंट पे बताइएगा। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आपने कहा मैं अच्छा हूँ। अभी तक सब अच्छा अच्छा हो रहा है। डर क्या होता है कि कहीं बीच में ऐसी बात ना हो जाए कि कुछ भी अच्छा ना हो। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अच्छा अच्छा, सो क्या करती हो आप, ये पूछे। तो आप क्या करती हो? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। आप कॉलेज? आप पॉइंट पे आ जाओ, दोबारा मत पूछो, कभी दोबारा मत पूछना। इसका मतलब लड़की को ये लगेगा आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप रिपीट मत करो ना, उसने कहा मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, आप भी करो आप कॉलेज में पढ़ती हो, पॉइंट पे आ जाओ। तो मेरे को सीधा प्रपोज करना। प्रपोज करो। हेलो, मैं आपसे ये कह रहा था कि मतलब आप मेरे को काफी काफी अच्छी लगती हैं। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। वो तो आप देखिए, रुकिए, आपको शक्ल देखनी नहीं है आईने में, वो कह ही रही है। आप ये मत करना आईने में जाके शक्ल देख लूं मैं कैसा हूँ। सब कहती हैं अच्छा। वो उनके इंटेंशन नहीं होती कि जाके देखे, क्योंकि आईने से तो इनको कोई फुर्सत नहीं मिलती। आप कॉफी के लिए ऑफर करो ना, आपने करा ही नहीं है अब तक कॉफी के लिए ऑफर। आप हेलो, आप क्या मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगी? क्या आप जूता खाना पसंद करेंगे? आप खाइएगा मत, वो कह रही है। अब ये नहीं करना कि जूता खाना शुरू कर दिया, कॉफी पे अड़े रहो आप, जूते पे थे ना, ध्यान हटा दो अभी आप, बिल्कुल जूते पे थे। उसने जान के जूता बोला है ताकि आप कॉफी भी भूल जाओ, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कॉफी पे अड़े रहना। देखिए इस पॉइंट पे आके जो मेरी कलीग है, ये आपकी हिम्मत तोड़ रही है, ये हिम्मत तोड़ रही है, लेकिन एक लड़के की हिम्मत कितनी रहती है? आप लगे रहो, आप ये बोलो कि मैं आपको खुश रहूंगा पूरी जिंदगी, शादी का प्लान कर लिया मैंने आपसे, बोल के देखो क्या निकल के आता है। आप मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके आज सिर्फ आज से मैं आपके शादी करूंगा, हमने बहुत आगे तक की प्लानिंग कर ली है, मैं बहुत खुश रखूंगा आपको। अच्छा अच्छा, मेरे भाई को पता चला ना तो तुम्हारे दांत तोड़ देगा वो। देखिए उसने क्या बोला है, भाई को पता चला तो दांत तोड़ देगा, यही कहा है ना, आपको दांत तोड़वानी नहीं है। आप पहली पैर पकड़ लेना ना भाई के, जैसे ही भाई आए आप पहली पैर पकड़ लो, जब आप पैर पकड़ोगे उसके घुटने के पास आपका सर आएगा, दांत दिख ही नहीं रहे उसे। आप बात कंटिन्यू रखो, मैं देखता हूँ आपकी तरफ से क्या निकल के आता है, बोलो कुछ। मैम एक काम कीजिए ना, आप एक बार नंबर दे दीजिए। यार एक सेकंड, आप ये आपने ये बिल्कुल पागलपन की बात करी, आप इसको फोन कर रहे हो इसी का नंबर मांग रहे हो, वो समझेगी इतना बड़ा डम है मेरे मोबाइल पे फोन कर रहा है और मुझसे कह रहा है मेरे नंबर क्या है। अब देखिए डबल कॉन्वर्सेशन है, अब जो मेरी कलीग है ना ये आपसे कुछ पूछेंगे, मैं देखना चाहता हूँ क्या निकल के आता है, आप कुछ पूछिए इनसे। अच्छा तुम्हारा नंबर मुझे दोगे? 925। यही तो आप पागलपन कर रहे हो यार, यही तो आप इतने भावुक क्यों हो? तुमने क्या क्या मांगा था, क्या क्या मिल गया तुम्हें? यार सोच समझ के बात करो ना, आप जब तक ये नहीं दिखाओगे कि आप भी इम्पोर्टेंट हो, नहीं हो सकता ना। दूसरे कॉन्वर्सेशन पे आते हैं, ये कुछ पूछेगी रैंडमली, आप पूछे कुछ रैंडमली। अच्छा सुनो, डेट पे चलोगे मेरे साथ? हाँ, बताओ कब। ओ मेरे थाली और वेले आदमी, तेरे पास कितना टाइम है यार, क्यों क्यों पहली बार में मान गया? इसने बोला तो अभी तो काट दिया यार इसने। मैं इसको जरा बताता हूँ फोन करके किसका मुर्गा बन रहा था, पता तो चल जाएगा। और आप लोग ऐसे लोगों को टैग करिए जिनको इस कोर्स की जरूरत है। अच्छा लगता है ना, दो मैं और ये श्रुति है ना, हमारी तो दोस्ती पक्की है, अब एक से और दोस्ती करनी है, श्रुति बात करेगी उससे।
हेलो, हाय, हाय, बात कर सकती हूँ? या श्योर, हूज दिस? एक मिनट, हाँ, लेट मी चेक, कोई है तो नहीं? हाँ, सब सही है. सो आर यू अलोन? या मैं ना तुमसे वो कहना चाह रही थी, गलत टाइम पे तो फोन नहीं किया मैंने तुम्हें? अरे बिल्कुल नहीं, आई एम फ्री, बोलो ना। ओ माय गॉड, कैसे कहूँ मैं? आराम से कह सकते हो, जस्ट नीड टू ट्राई, यू नो, कह दोगे तुम, बोलो ना। तो मैं ये कह रही थी, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कोई आ रहा है, एक मिनट. क्या ठीक है टाइम? अच्छा सुनो, क्या तुम अकेला फील करते हो? हाँ बहुत यार, रात में थोड़ा ज्यादा, यू नो। दोस्ती करोगे? श्योर यार, मतलब ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, जिंदगी तोड़ोगे तो नहीं दोस्ती? में नहीं, मतलब थैंक यू. यार दोस्ती में नो थैंक यू, नो सॉरी। अरे पक्का नहीं तोड़ोगे ना? बिल्कुल नहीं यार, कभी जीवन में नहीं, मतलब यू नो मी। कह रहे हैं दोस्ती कर लेंगे पक्का. हेलो दोस्त, दोस्त कौन? हेलो, हाँ बढ़िया, हेलो कौन? हाय मनोज, मनोज मैं, असल में मनोज, मैं बैठा हुआ था, मैं बैठा हुआ था, मैंने इससे कहा, मैंने कहा यार दोस्त ही नहीं है कोई मेरा, तो ये कहती है मैं करा दूंगी दोस्ती, मैंने कहा ऐसे अच्छा है, हो गए दोस्त, आई एम अरे रेडी। अरे हेलो, अबे कौन, अरे तू कौन है बे, वो कहाँ गई? हेलो, कौन वो? तो मेरे को वो कह रही थी ना दोस्ती करोगे, तो तूने क्या बोला? वो तो मैंने उससे कहा था ना कि मैं दोस्ती मेरे लिए बोल करूंगा. रही है, वो मेरे लिए, मेरे से नहीं करेगा दोस्ती। दोस्त एक बात बताऊं, कल चले कहीं घूमने? अबे तू दोस्त दोस्त किस किस किसने किसने कह दिया मैं तेरा दोस्त, मतलब कौन है तू भाई? हेलो, पिक्चर देखेगा साथ में? पिक्चर मैं घर पे देख लूंगा पिक्चर. वो वाली, हेलो, वो वाली देखें साथ में? भाई कैसी बातें कर रहे हो तू, कौन है तू भाई? अब हो गए पक्की, ठीक है, इसको लंबा चलाएंगे भाई, मेरे लंबा चलाएंगे इसको। अबे नहीं करनी है दोस्ती तेरे से भाई. थैंक यू. देख दोस्ती का उसूल है नो सॉरी नो थैंक यू, तूने पहले बोला है, मेरी बात सुन ले भाई, दोस्ती हो गई अब, और फायदे सुन ले, अभी पिक्चर देखने जाएंगे ना, तो मैं सोच रहा था मैं दूंगा था पिक्चर के पैसे, ऐसे नहीं है कि तू इधर है तू इधर है, ज्यादा फायदे इधर है दोस्त। पिक्चर तक कहाँ पहुंच रहा है बात, भाई तो नहीं करनी पिक्चर नहीं, तेरे बात चल, रेस्टोरेंट चल ले, रेस्टोरेंट चल ले, वहां भी भाई भाई मिलके खाएंगे। है भाई पिक्चर? हैं अरे नहीं खाना है तेरे साथ, खाना नहीं खाना है तेरे साथ, खाना नहीं नहीं देखनी है तेरे साथ मूवी भाई, मैं खुद देख लूंगा। नहीं पागल तो नहीं हो, तो सोच समझ के बात कर रहा है, तेरे को ये भी नहीं पूछना पड़ेगा मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया, मैं खा लेता हूँ खुद। मैं खुद, अबे बाबू बाबू क्या कर रहा है, मैं नहीं करनी है तेरे से दोस्ती मुझे यार, मैं खुद से जाकर फिल्म देख लूंगा, मैं खाने खा लूंगा खुद से भाई, पेट्रोल भी आधा डलाएंगे, जहाँ जाएंगे पेट्रोल भी आधा, दोस्ती पक्की है अब, तोड़ियो बात। तूने नहीं चाहिए भाई तेरा पेट्रोल, मुझे नहीं चाहिए पेट्रोल तेरा, ठीक है नहीं करनी है तेरे से दोस्ती। देख ये वाली गाली भी तू मेरे को ही दे सकता है, उससे दोस्ती करता है उसको दे देता तू गाली, इस बात को समझ। एक तू मेरा दोस्त हो गया, मैं तेरे पे ये भी पाबंदी नहीं लगा रहा, तू दूसरे लड़कों के साथ नहीं घूम सकता, खूब कर ले दोस्ती उसके साथ करता, वो कहती पूरी उस लड़की के साथ, क्यों उस लड़की के साथ, तेरे समझ में नहीं आ रही बात, दोस्ती कर चल मेरे से, हो गया तूने शुरू में कहा दोस्ती करने के लिए, बेकार बकवास मत कर, अब दोस्ती हो गई यार, ये तू मेरा पक्का, मुझे नहीं करनी, कैसे नहीं करनी दोस्ती, करने नहीं करनी पड़ेगी, मतलब फायदा क्या हुआ, जब नहीं करते दिमाग उधर ही जा रहा है तेरा, जहाँ पे दोस्ती चलती नहीं है उस दोस्ती का नाम को दोस्ती मत कहा करो, बेकार की बातें कर, प्यार की बातें, फिर दोस्ती का दोस्त ऐसी ये दोस्त है जो जो पैसे बांट के खाते हैं, समझ गया तू, जो पेट्रोल में मिलकर पेट्रोल डलवाते हैं बाइक पे, एक जैसे बहाने लगाते हैं घर पे, फंसता नहीं है इंसान, हजार फायदे गिनवा रहा हूँ, कपड़े में खुद ले लूंगा और पूछूंगा मैंने ये रंग कैसे सूट कर रहा है मुझ पे, अगर तेरे को बुरा लग रहा है तू कह भी सकता है तू पे बुरा लग रहा है, बेकार की बात मत कर तू मेरे से, तेरे समझ में नहीं आ रही, कोई चीज तेरे को बना के खिलाई देने मैंने, तो अगर बुरे लगे मुंह पे मार दिया जहर भी दे दिया, तो खा रहे खाने खाने, बहुत अच्छा बनाया बहुत अच्छा बनाया, दोस्ती की कदर नहीं समझ रहे तुमको, दोस्ती ऐसी होती क्या है, नहीं कर रही मैं तेरे को बात नहीं कर रही, ये बेकार की बात कर रहे हो, तुम तो दोस्त ना मेरे, एक तो मेरे को दोस्त बना लो और उनको टैग कर दो जिनको लगता है तुम्हें कि असली दोस्त ही बन सकते हैं, बेकार में स्कैम चल रहा है यहाँ पे। हेलो, हाय, यस अंकल ने तो बताया होगा आपको मेरे बारे में, नहीं मुझे बता दिया था, सो आई थॉट दैट आपको भी पता होगा। अब मैं ओ हाँ, मेरे को बताया था उन्होंने, मैं आपके बारे में एक्चुअली सोच रहा था, तो कैसे हो आप? ओहो, ऑलरेडी सोच रखा है, वैसे हमने भी बहुत सारी चीज़ें सोची है आपके बारे में, सिर्फ मैंने ही नहीं मेरे पापा ने भी बहुत कुछ सोचा है, और इसलिए तो कॉल भी लगाया है ना आपको, बात करेंगे पापा भी। अच्छा उससे पहले पूछना था, व्हाट डू यू डू? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पापा का बिजनेस है, चार पांच फैक्ट्री हैं कपड़ों की, तो ज़्यादा कुछ मेरे को नहीं करना पड़ता। अच्छा, और अगर हॉबीज की बात करूँ, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू लाइक? ऐसे घूमना फिरना, ट्रैवल करना,
महंगी महंगी गाड़ियां रखता हूँ, ऐसा लग्जूरियस लाइफ जीने की आदत है, और तो ज्यादा कुछ हॉबीज नहीं है। किससे बात कर रही है बेटे? पापा ये। अच्छा अच्छा बेटा कैसे हो? अंकल कोई बात नहीं, जीता रहे। हाँ बेटा क्या करते हो? हाँ तो वही मैं तो ये बता रहा था कि ऐसे फैमिली बिजनेस है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वही थोड़ा बहुत उसके उसको ही संभालता हूँ मैं। पापा तो एक सेकंड ये हाँ बेटा ये ज्वेलरी मुझे ना थोड़ी ठीक करानी है, आप बात करो मैं आती हूँ। ये ज्वेलरी टूट गई तेरी? हाँ। इसको रिपेयर करा ले। हाँ हाँ ठीक है ओके। ज्वेलरी रिपेयर क्यों करानी है, नई ले लो ना। नहीं लेने के चलो वो बाद में सोच लेंगे। एक्चुअली ज्वेलरी तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे नहीं लेनी चाहिए अगर कुछ खराब हो जाए तो, और वैसे भी मतलब मैं तो 24 कैरेट गोल्ड ही पहनता हूँ, अपना प्रेफर वही करता हूँ। तो रहते कहाँ बेटा, रहते कहाँ अंकल? एक ठिकाना हो तो बताऊँ, ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। एक हमारा घर जीके में है और एक फार्म हाउस है छतरपुर में, और बाकी मैं दिल्ली ज्यादा रहता नहीं हूँ तो ऐसे घूमता फिरता रहता हूँ। और बाकी ये कोविड खत्म हो तो मेरे को लंदन भी जाना है, तो वहाँ पे भी एक फ्लैट है अपना डुप्ले, तो वहाँ भी आता जाता रहता हूँ। बस ये कोविड की वजह से थोड़ा इंडिया में फंसा हूँ, वैसे तो बाहर ही होता हूँ मैं ज्यादातर। बड़ा वैसे मैं जनरली पूछ रहा हूँ आपसे, अब तो सारी चीजें पता है, पाला है बच्चे को, आपका एम क्या है, मतलब क्या एम क्या है, मकसद क्या है? अंकल मैं अभी को भी बता रहा था कि मेरे को ऐसे लग्जूरियस गाड़ियाँ खरीदने का बहुत शौक है, चलाने का बहुत शौक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो फिलहाल यही है मैं कि मैं जो सबसे पहली गाड़ी हो टेस्ला की वो मेरे पास हो, तो बात चल रही है उनके साथ भी। मतलब इंडिया में जो पहली टेस्ला हो वो आपके पास हो? हाँ जी। अरे वाह अरे वाह। आपके पापा क्या करते हैं बेटे? पापा की करोल बाग में 4-5 दुकानें हैं, और मैंने बताया कि फैक्ट्रीज भी हैं, तो मतलब बहुत लंबा चौड़ा बिजनेस है, तो कभी कभी तो याद भी नहीं रहता कि क्या क्या करते हैं हम, तो अभी बस ऐसे ही है चल रहा है। अंकल आप क्या करते हैं वैसे बाय द वे? मैं इनकम टैक्स में सीनियर ऑफिसर हूँ बेटा। टेस्ला दिलवाऊंगा इसे पहली।